बाहर जाते तो हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, लेकिन वहां पर जाकर लड़की के चक्कर में पड़ जाते हो। फिर चलता है ये लड़का लड़की का खेल कुछ महीनों तक या 1-1.5 साल तक। फिर एक समय आता है जब लड़की एग्जाम क्रैक कर लेती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर देती है, ब्रेकअप, सब कुछ खत्म कर देती है। फिर तुम उदास हो जाते हो, रोते भी हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, उसकी यादें दिमाग में लगातार चलती रहती है, उसके साथ बिताए मधुर पल, उसकी मीठी मीठी बातें, उसके साथ मूवीज देखने जाया करते थे, ठेले के पास एक ही प्लेट से दोनों मोमोज खाया करते थे, उसके साथ हाथों में हाथ डालकर रोड में चलते थे, हंसते बोलते बतियाते हुए। पहली बार जब उसे किस किए थे, वो मोमेंट, दोनों ने एक दूसरे के लिए जो कस्में वादे किए थे, वो सब दिमाग में छाया रहता है, तो कहाँ से पढ़ने में ध्यान लगेगा। माँ बाप जो पढ़ाई के लिए और रहने खाने के लिए पैसे भेजते हैं, उस पैसे से दारू पीने लगते हो लड़की का दिया गम भुलाने के लिए। बनने जाते हो बाहर अफसर, लेकिन बन के रह जाते हो पियक्कड़। ऐसा बहुत से लड़कों के साथ हो चुका है और अभी भी हो रहा है, इसे सबक लो। बाहर जब जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने, तो घर से ही ये माइंडसेट बना के निकलो कि लड़की के चक्कर में कोई पढ़ता है तो पढ़े, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। इस पर डिटेल में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो, तभी एग्जाम क्रैक कर पाओगे और जो बनने गए हो वो बन पाओगे, वरना इन्हीं लड़की वड़की के चक्करों में फंसे रह जाओगे और दारू पी पी के गम में ही डूबे रह जाओगे, उम्र भी बीत जाएगी। इसलिए जाकर देखो, बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए।